दोस्तों गर्मी के मौसम में रोड पर ट्रेवल करते समय कहीं ना कहीं आपको पानी दिखाई देता होगा, पर जैसे पानी के पास पहुंचते पानी वहां से गायब हो जाता है। इनफैक्ट आपने बहुत सारे स्टोरीज में भी देखा होगा कि रेगिस्तान में जब लोगों को पानी का एहसास होता है पर जैसे वो पानी के पास पहुंचते हैं वहां से पानी गायब हो जाता है। इन सबके पीछे आपके एक साइंस से आइए जानते हैं वो साइंस क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, ग्राउंड के पास की जो हवा होती है वो बहुत गर्म होती है जबकि ऊपर की जो हवा होती है वो ठंडी होती है। तो जो सन की जो रेस है, जब सन की एयर क्या होती है कोल्ड एयर से हॉट एयर की तरफ ट्रेवल करती है तो वहां पर मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है। एक ऐसा केस आता है जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जाता है, उस केस में क्या होता है लाइट वहां पे रिफ्लेक्ट करने लगती है यानी बाउंस बैक करती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको जो लाइट होती है वो आपको ऊपर नीचे से आते हुए दिखाई देती है। उस केस में आपको उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपको ग्राउंड पे दिखाई देती है। इस तरह से आपको पानी का एहसास होता है। इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको पानी का एहसास होता है। दोस्तों ऐसे डेली लाइफ से जुड़े हुए फैक्ट्स और उनके पीछे साइंस जानने के लिए अभी आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।